कोबरा भाई गरीबों का मसीहा, बड़े बड़े गुंडा मवाले को एक झटका में मार देता है और गरीब आदमी को दाल और भात देता है। गुंडों के लिए गुंडा और चोरों के लिए चोर है। क्या रे, गरीबों को खाना खिलाया? हाँ भाई। बहुत अच्छा। तो भाई आज का प्लान क्या है? इस शहर में जितना भी चोर है सबका लिस्ट तैयार करो। क्यों भाई? सबके घर में चोरी करेंगे। चोर के घर में चोरी? हाँ, साला बहुत माल छुपा कर रखा है। जाओ लिस्ट तैयार करो। ठीक है भाई। ये लीजिए, इसमें पूरे 2 करोड़ है। अरे वाह, आज तो पूरे 2 करोड़ का फायदा हुआ है। शायद आप भूल रहे हैं, ये पैसा राका भाई का है। तुम राका भाई का टेंशन मत लो, उसे हम देख लेंगे। ये लो, तुम चिप्स खाओ। रास्ता रखो फाका, आ रहा है राका। अरे क्या रे, राका भाई का पैसा खाएगा तू? राका भाई से पंगा पड़ेगा तुमको महंगा। राका भाई से गद्दारी पड़ेगा तुमको भारी। राका भाई को देगा धोखा तो तुम कभी नहीं खा पाएगा दाल भात चोखा। आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे? ये लीजिए चिप्स खाइए। तुम लोग देख क्या रहा है, राका भाई से गद्दारी क्या है, मार साले को। अरे यार रुको यार, राका भाई इस बार मुझे माफ कर दो, अगले बार से कभी गलती नहीं करेंगे। ये लीजिए आपका पैसा। छोड़ दो इसे और पैसा उठा लो। भाई इस शहर में एक भी चोर नहीं बचा। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, आपका नाम सुनकर सब काम धंधे में लग गया। देखा मेरा खौफ, काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। सही बोला भाई, मेरा नाम सुनकर सब काम धंधे में लग जाता है। एकदम सही बोला भाई। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए भाई। अरे भाई देखो, उन्होंने लड़ाई कर रहा है। अच्छा चलो आ तो। ये लो भाई, चलो जाओ। साला इतना अमीर इंसान होकर बैग चोरी करता है। अरे भाई चोर मैं नहीं, चोर वो है, मेरा बैग वो चोरी करके ले गया। साला मेरा बैग चोरी करवा दिया, तू है कौन रे? काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। पकड़ तो। साला बैग चोरी करवा दिया। इसके बारे में किसी को बताना नहीं, चलो। कोबरा भाई ये देखो पेपर में क्या छपा है। क्या छपा है? साकापुर के जंगल में मिला एक सोने का पुतला, अनुमान लगाया जा रहा है ये पुतला पूरे 500 करोड़ रुपए का होगा। 500 करोड़? हाँ भाई। तो चलो पहले ये पुतला चुराते हैं। कोबरा भाई लेकिन वहाँ बहुत खतरा होगा। इसका टेंशन तुम मत लो, हम वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी जाएगा। छोटा भाई? हाँ, लेकिन वो अभी जेल में है। चलो पहले उसे जेल से बाहर निकालते हैं। चलो चलो। कोबरा भाई लेकिन आपका छोटा भाई दिखता कैसा? अपना फोन निकालो। बिल्कुल ऐसा दिखता है। लेकिन ये तो आपका फोटो है। हाँ मेरा छोटा भाई बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, मेरा जुड़वा है। चलो रुको, वो जेल है, हमको वहाँ अकेले जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम अपना अड्डा पे जाओ, हम छोटा भाई को निकाल के आते हैं। ठीक है भाई। ये लो खाना खा लो। सर रोटी 1, आदमी 3, कैसे खाएंगे? एक ही बचा है, खा लो। ठीक है 2 गिलास पानी लाइए। इन लोग सिर्फ पानी पिएगा, पी लेगा ने? हाँ पी लेगा। हाँ No. साला ये जब तक यहाँ है तब तक हम लोग ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। भाई
तुम बोलो तो उसको टपका दे। साले तू पागल है क्या? ये बहुत बड़ा गुंडा है, इसको कैसे मारेंगे? तो क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग ही जेल से भाग जाते हैं। हाँ चलो। भाई वो तो जिंदा है। कौन जिंदा है? जिसको मारने के लिए सुपारी दी है वो तो जिंदा है। साला मेरा पैसा ले लिया और काम भी नहीं किया, अभी बताते। हेलो क्या रे, मेरा पैसा ले लिया और काम भी नहीं किया। कौन सा काम? उसको उठाने बोले तो उठाए नहीं। उठा तो दिए भाई, मत सो रहा था जाके उठा दिए। अबे वो उठाना नहीं, उसको टपकाना था। अच्छा तो पूरा बात बोलना चाहिए था ना भाई। पूरा बात बोल दिए, अब जाके टपकाओ। 50 करोड़ लगेगा। 50 करोड़ तो दिए। वो तो उठाने का था, अगर टपकाना है तो 50 करोड़ लगेगा। बहुत ज्यादा बोल रहा सूरज भाई। क्या करे भाई, यही मेरा रेट है। तुम जेल से बाहर निकलो तब तुमको बताते हैं। इसीलिए तो जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, जेल में सेफ है। कभी ना कभी जरूर निकलोगे। कभी नहीं निकलेंगे भाई, उम्र कैद का सजा मिला है हमको। साला इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो पुलिस इंस्पेक्टर, चलो जेल में डालो हमको। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये जेल है, इसके अंदर जाने के लिए जुर्म करना पड़ता है। अच्छा साला पुलिस पे हाथ उठाता है, ए इसको जेल में डालो। तो छोटे सब ठीक है ना? एकदम मस्त है बड़ा भाई। अरे सूरज भाई ये कौन है? बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है। ये मेरा बड़ा भाई। और मतलब ये भी गुंडा होगा? बहुत बड़ा गुंडा है भाई, वो तो शकल से ही लग रहा है। और बड़े भाई आपका नाम क्या है? काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। कोबरा ये कैसा नाम है? तो बड़ा भाई आप भी जेल में क्यों आए? मुझे तुमको एक बहुत जरूरी बात बताना है। हाँ बताइए क्या बात है? एक जंगल में सोने का पुतला है, बहुत ही कीमती है। कितना कीमती है? बहुत ही कीमती है। फिर भी कितना कीमती है? इतना कीमती कि हम लोग एक बार उसे चुरा ले तो हम लोग दोनों का लाइफ सेट हो जाएगा। अच्छा तो जाइए चुराइए। लेकिन हम उसे अकेले नहीं चुरा सकते हैं, इसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। पूरा साथ देंगे भाई, बताइए क्या करना है? सबसे पहले हम लोग दोनों को इस जेल से बाहर निकलना है। चलिए निकलते हैं। कैसे? ये सब हम पे छोड़ दीजिए। सर पेशाब लगा है। साला हमको सब पता है, तुम पेशाब के बहाने से फिर भागना चाहता है। हमको नहीं लगा है, आपको पेशाब लगा है। हाँ लगा तो है। हाँ तो जाइए करके आइए, अभी आते हैं। देख छोटे यही है सागापुर का जंगल और इसी में है सोने का पुतला। लेकिन भाई ये जंगल तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जंगल में हम लोग ढूंढेंगे कैसे? टेंशन मत लो, तुम उधर ढूंढो हम इधर ढूंढते हैं, अगर पुतला मिलेगा तो आवाज देना। ठीक है भाई चलो जाओ। राका भाई वो देखो सूरज भाई। क्या रे कपड़ा बदल लिए तो क्या सोचा, नहीं पहचान पाएंगे? पहचान लिए। कौन है बे तू? साला हमको भूल गया, मेरा 50 करोड़ कहाँ है? 50 करोड़? कौन सा 50 करोड़? साला मेरा पैसा भी भूल गया, मार साले को। काला है थोबड़ा, मेरा नाम है कोबरा। साला नाम भी बदल लिया, तेरा नाम तो सूरज भाई है। सूरज भाई? अच्छा इसका मतलब तुम लोग मेरा भाई को मारना चाहता है? मेरा भाई को मारेगा तू? अबे कौन है तेरा भाई? मेरा भाई को मारेगा तुम लोग? मारो साले को।
मेरा भाई को मारेगा तू। मेरा भाई को मारेगा तू। आज के बाद मेरे भाई को मारने के बारे में सोचा तो तेरा मौत कैसे होगा वो हम सोचेंगे। कौन है इसका भाई बे? इसका भाई कौन है सबसे पहले ये पता करो। साला कहां मिलेगा ये सोने का पुतला? आज का ताजा खबर, सूरज भाई के साथ 3 कैदी हुआ फरार। बताया जा रहा है कि सूरज भाई का एक जुड़वा भाई है, एकदम सूरज भाई जैसा दिखता है, वही सबको भगाया है। अच्छा, इसका मतलब जो अभी मिला था वो सूरज भाई का जुड़वा भाई था। इसका मतलब सूरज भाई भी इसी जंगल में है। चलो ढूंढते हैं। साला कहां मिलेगा ये सोने का पुतला? यस, मिल गया सोने का पुतला। साला ये पुतला कितना बड़ा है, पक्का 500 करोड़ का होगा। लेकिन ये असली है या नकली? क्या देख रहा है बे? हम असली सोने का पुतला है। और इस साला पक्का असली पुतला है, कोई देख तो नहीं रहा है। राका भाई, हमने सूरज भाई को पकड़ लिया है, जल्दी से आ जाओ। तुम्हें क्या लगा ये सोने का पुतला असली है? नहीं, ये मेरा साजिश था तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए। वो पेपर और फेक न्यूज हमने छपवाया था। बताओ मेरा 50 करोड़ कहाँ है? 50 करोड़? वो 50 करोड़ मेरा पैसा है, मेरा मेहनत का पैसा है। मैंने उसे मेहनत से उठाया तब जाके 50 करोड़ हमको मिला है। इसका मतलब तू मेरा पैसा नहीं देगा? नहीं देंगे। मार साले को। भैया, छोटा भाई, गया मेरा भाई, अब तुम सबको चुन चुन के मारेगा। देख क्या रहे हो, पहले इसका भाई को मारो। अबे भाग का रहा है, फट गया ना। पुलिस, छोटे भागो, पुलिस आ रहा है।